Students, today we are going to start the capacitor and dielectrics. The first topic is conductor and insulator. And sometime insulator is also called the dielectrics. ठीक है, insulators को dielectrics भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्या property होती है, एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले conductor. कंडक्टर के बारे में बोले तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अलाउड टू पास इलेक्ट्रिसिटी इजिली थ्रू देम. ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है कि कंडक्टर जो के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को इजिली पास करा सकते हैं. व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? मेन रीजन क्या होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास होती है, इसके पीछे मेन रीजन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन का. इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कुछ एग्जांपल जान लेते हैं. ये सब मेन पॉइंट्स मैं आपको आपके लिख रहा हूं. ठीक है, एग्जांपल्स जैसे मेटल, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर. ऑल मेटल्स, ठीक है. अब आ जाते हैं इंसुलेटर पर. तो इंसुलेटर की बात करें तो इसका ठीक अपोजिट होगा, इट डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड पॉइंट, यहां पर इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन. इट हैज द नेग्लिजिबल या नो फ्री इलेक्ट्रॉन. सिंपली कह लेते हैं इट डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने कम होते हैं कि ना के बराबर. इसके एग्जांपल ढेर सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में होंगे, प्लास्टिक, माइका, रबर, प्योर वाटर इज ऑल्सो द इंसुलेटर. प्योर वाटर, मिनरल वाटर नहीं, जो आपके आरओ का पानी है वो नहीं. ठीक है, प्योर वाटर, सिर्फ H2O जिसमें हो वो भी इंसुलेटर होता है, एटसेट्रा. ठीक है, अब बात आ जाती है डाइइलेक्ट्रिक्स के. डाइइलेक्ट्रिक कहने का क्या मतलब है? तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आप लोगों को कि डाइलेक्ट्रिक्स आर एक्चुअली इंसुलेटर. ठीक है, तो फिर इंसुलेटर ही कह लेते हैं. डाइलेक्ट्रिक कहने का क्या मतलब है? तो इसमें एक अलग सी एक प्रॉपर्टी देखी गई. प्रॉपर्टी ये देखा गया कि जैसे कंडक्टर में अगर हम लोग चार्ज देते हैं तो वो चार्ज का कंडक्शन कर देता है,
इंसुलेटर चार्ज का कंडक्शन नहीं करता है, लेकिन हम लोगों ने इंसुलेटर में ही एक अलग प्रॉपर्टी देखी कि अगर हम लोग किसी इंसुलेटर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये चार्ज इंड्यूस्ड करता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल बता रहे हैं, समझिएगा कि मान लीजिए कि एक यहां पर ऐसे दो प्लेट्स ले लिया जाए, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दें और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दें, ठीक, तो एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, मतलब अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी डाइइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो ये डाइइलेक्ट्रिक जो होता है इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, मतलब प्लस वाले की तरफ यहाँ पे कुछ माइनस चार्ज आ जाता है और माइनस वाले की तरफ प्लस चार्ज आ जाता है। तो देखो इसने चार्ज का कंडक्शन नहीं किया है, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के नहीं गया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो यहां हम लोग ये लिख सकते हैं, व्हेन डाइइलेक्ट्रिक placed in the electric field, some charge induced on it. On its surface, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? Thus, dielectric ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट बट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? डाइइलेक्ट्रिक्स में ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता, लेकिन जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को ट्रांसफर जरूर करता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डाइइलेक्ट्रिक्स। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल वही सारे जितने भी ये इंसुलेटर वाले एग्जाम्पल्स हैं सब डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, जैसे प्लास्टिक है, माइका है, वाटर है, प्योर H2O, ठीक है ना, ये बात को ध्यान देना, एटसेट्रा, ये सब जो होते हैं ये डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ जाएगा ये चीज सबको? Now the next topic is free and bounded charges. ठीक है, free and bounded charges का कहने का क्या मतलब है? देखो ये तो आप जानते हो कि एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है
इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। मान लीजिए हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बना दे रहे हैं, ये क्रॉस वाली इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारा न्यूक्लियस है। तो हम इतना तो जानते हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक, और ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कनेक्टेड रहते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका ये मतलब हुआ कि जो इंटीरियर ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, मींस एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, सबसे बाहरी शेल में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली पैक्ड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। इसीलिए अगर उनको कहीं से थोड़ी सी एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाती है तो वो अपने शेल से बाहर निकल जाते हैं। तो मान लीजिए किस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी कहीं एक्सटर्नल एनर्जी मिल गई तो ये क्या करेगा, अपने शेल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ये बाहर आ जाएगा, ठीक। जब अपने शेल से ये बाहर आ जाएगा तो इस पूरे एटम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, और इसके ऊपर आएगा हमारा, ये तो नेगेटिव चार्ज तो है ही, ये बात समझ में आएगी कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकलता है तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अपने एटम से फ्री हो चुका है ना, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और अभी आपको याद हो तो हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो कंडक्टर में यही फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं और इंसुलेटर में इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। अब देखिए फ्री एंड बाउंडेड चार्ज का क्या मतलब हुआ। मान लीजिए कोई मटेरियल है, ठीक है, तो इसमें अब ढेर सारे एटम्स होंगे, ये एटम्स मान लीजिए मैं बना रहा हूं, ये ढेर सारे एटम्स होंगे इसमें, रैंडमली बना देते हैं, बहुत सजाएंगे तो टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये एटम्स हो गए। अब मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, तुम्हारे ये सब बाहर निकल गए हैं, ठीक है। तो ये जिस भी मैटर से, मतलब जिस भी एटम से बाहर निकलेंगे उस एटम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रही है बात, जिस एटम से बाहर निकलेंगे उस एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन एटम के बीच में जो खाली जगह है इसमें लगातार मूव करते रहते हैं, एक दूसरे टकराते हैं और लगातार इसमें मूव करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, एक रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये इस मटेरियल के अंदर के लैटिस में रैंडम मोशन कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग फ्री चार्जेस,
ठीक है, और यहाँ पे जो एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, और हमें मालूम है कि सॉलिड के जो एटम्स होते हैं वो बाउंडेड होते हैं अपने लैटिस में, अपने स्ट्रक्चर में बाउंडेड होते हैं, ठीक है, यानी कि रुके हुए रहते हैं, तो इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड चार्जेस। ठीक है, अब मीनिंग समझ में आया कि फ्री चार्जेस और बाउंडेड चार्जेस का क्या मतलब है। किसी भी कंडक्टर की अगर बात करें तो इसमें फ्री चार्ज और बाउंडेड चार्ज दोनों ही होता है। फ्री चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होता है जो कि स्ट्रक्चर के बीच में लगातार रैंडम मोशन करता रहता है, और जो बाउंडेड चार्ज है वो एटॉमिक आयन के फॉर्म में होता है, यानी कि एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पॉजिटिव चार्ज मिलता है, उसको आयन बोलते हैं, तो वो आयन के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स में बाउंडेड होता है हर एटम, इसलिए उसको बोलते हैं बाउंडेड चार्जेस। ठीक है, मन के इसको लिख सकते हैं, एक कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ फ्री चार्जेस एज वेल एज बाउंडेड चार्जेस, the free charges are free electron, ध्यान देना सारे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की गई है, only free electron, ठीक है, and the bounded charges are पॉजिटिव आयन मतलब एटम या मॉलिक्यूल बाउंडेड इन द लैटिस, ये लिखो। ठीक है,